जादूगर देख के बहुत लोगों को लगा कि अमरीश पुरी का आश्रम ओशो रजनीश के आश्रम से मिलता जुलता है। जिस तरह रजनीश के भक्त उन्हें पूछते थे, ठीक उसी तरह से लोगों को अमरीश पुरी को पूछते हुए दिखाया गया है। नाम नहीं लूंगा, बिफोर स्टार्टिंग जादूगर आई वाज ऑफर्ड 50 लाख बाय ए गुरु, आई वोंट नेम हिम, एक लोहे की पेटी में भर के 50 लाख मेरे असिस्टेंट के पास मेरी गाड़ी की डिक्की में रखवा दिया गया। मेरा असिस्टेंट, उसको पसीने आ गए, उसने 50 लाख कभी देखा नहीं था आरपी सेठी ने। वो मेरे पास आया था, प्रकाश जी एक मिनट इधर आइए, वो फलाने स्वामी जी हैं, वो 50 लाख दे गए जादूगर ना बनाने का। अरे मैंने कहा पकड़ो, तो भाई स्वामी जी को हरे कृष्णा मंदिर में पकड़ा जाके और उनकी पेटी वापस की। जादूगर से पहले 1984 में अमिताभ बच्चन के साथ जया प्रदा प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी में नजर आई थी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों फिल्मों में उनके किरदार का नाम है मीना। इनके अलावा भी वो काफी फिल्मों में अमिताभ की को स्टार बनी, जैसे कि गंगा जमुना सरस्वती, आज का अर्जुन, इंद्रजीत और खाकी। शंकर के किरदार के लिए पहले मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया था, लेकिन वो इस रोल के लिए वक्त नहीं दे पाए। इस वजह से ये रोल फिर आदित्य पंचोली को दिया गया। फिरोज खान की दयावान और देवानंद की अव्वल नंबर में काम कर रहे आदित्य पंचोली उस समय के उभरते सितारों में से एक थे। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रकाश जी एंड अमिताभ बच्चन साहब, तो मैं तो बिल्कुल नया था, यू नो, इट वाज आई वाज इन ऑ ऑफ बोथ ऑफ देम, यू नो, फिल्म्स लाइक मुकद्दर का सिकंदर, जंजीर, शराबी, ऑल दीज ग्रेट्स विद, यू नो, द कॉम्बिनेशन, एंड टू रिप्लेस मिथुन चक्रवर्ती साहब इन दैट टाइम, यू नो, इट वाज अ वेरी बिग थिंग, आई वाज वेरी हैप्पी। जादूगर में अमिताभ बच्चन के जादूगरी करतबों के पीछे हाथ था दक्षिण के मशहूर जादूगर के एस रमेश का। लंदन में जादूगरों के एक खास क्लब मैजिक सर्कल के सदस्य रमेश ने 1987 की कमल हसन की पुष्पक में एक जादूगर का ही किरदार निभाया था।